इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से एक और तो संक्रमण घटने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी ओर देश में वायरस का एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही घातक वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। वायरस का जो वेरिएंट हमारे देश में मिला है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर सकता है। मतलब ये कि ये बेहद खतरनाक है। और इस बीच त्योहारी सीजन से पहले 24 घंटे में देश में करीब 53,000 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कई तरह की सख्ती लागू की गई है। Seen this double mutant E484Q and L452R. लेकिन निकल के ये आता है कि आया है कि हाँ, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, तीन वेरिएंट्स। देश के 5 राज्यों में कोरोना का गंभीर संकट है, लेकिन टेंशन में पूरा हिंदुस्तान है। अब तक हम और आप यही सोचकर बैठे थे कि वैज्ञानिकों ने वायरस से बचाने का तरीका खोज निकाला है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है कि देश में कोरोना वायरस का एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही घातक म्यूटेंट का पता चला है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में मिला और ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास कर सकता है। यूके, साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट के बाद अब कोरोना का इंडियन वेरिएंट भी मिला है। कोरोना का नया डबल स्ट्रेन वाला इंडियन वेरिएंट देश के 70 जिलों में मिला है, जिसमें देश के 10 जिलों का सबसे बुरा हाल है और इन 10 जिलों में से 9 जिले महाराष्ट्र के हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन इंसानों के शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वायरस से लड़ने की हमारे शरीर की ताकत को धोखा दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप इस वायरस के संपर्क में आ गए तो ये आपको पकड़ सकता है। In this double mutant E484Q and L452R. So this is the double mutant which has been observed in 206 samples in Maharashtra and then in a varied number in Delhi also 9 samples and so on. So when we link with that, because we have to see that from where the samples have been picked. So this is very, very relevant. In Nagpur, yes, we have found a substantial number, around 20%. So that 20% just correlating with the type of surge, it is not possible. Substantial pool of population when exposed to the virus did give rise to the surge. That is definitely for this. But yes, we did find this particular mutant there. पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 53,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें करीब 32,000 केस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। मुंबई में 5,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां कोरोना वायरस की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,634 नए मरीज मिले हैं, जबकि केरल में बुधवार को एक बार फिर से 2,496 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 2,298 मामले। हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अचानक मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 2,106 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं। आपको दिखाते हैं लोगों की लापरवाही की तस्वीरें। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर होली और शबे बारात जैसे त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी, लेकिन मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे और होली मना रहे थे, वो भी होली से कुछ दिन पहले। कुछ ऐसी ही तस्वीर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भी आई। यहाँ भी लोग होली खेलने के नाम पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखे हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।